सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आज ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बारे में कुछ अपडेट देने वाली हूँ आपको। उसकी लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँगी, क्या साइजेज में आप परचेज कर सकते हैं उसकी भी अपडेट दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो शॉर्ट होने वाली है बट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं प्रतीक रेजिडेंसी की, जो कि सिचुएटेड है 5-3 के अंदर। आपको पता होगा चाय 5 सेक्टर है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का। चाय 5 सेक्टर में चाय के अलग अलग ब्लॉक हैं, 5 के भी अलग अलग ब्लॉक हैं। 5-3 के अंदर ये प्रतीक रेजिडेंसी आपको मिलेगी। 5 में ही आपको दो जो रेजिडेंशियल के लोकेशन लगी हुई है, जिसमें 356 स्क्वायर मीटर का अथॉरिटी का प्लॉट है, जिसे आप टैकोमा और चौरसिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों 5-3 के अंदर के ब्लॉक्स हैं जिनका ये नाम है टैकोमा एंड चौरसिया। इसमें 356 स्क्वायर मीटर का साइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस 5-3 के ही अंदर आपको प्रतीक रेजिडेंसी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आप यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो मान के चलिए कि लगभग परीचौक यहाँ से आपको 3 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस में मिले, क्योंकि थोड़ा सा परीचौक से डिस्टेंस का ज़्यादा हो जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में, उसके साथ ही साथ बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की तो लगभग वो भी आपको 3 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर हम साइजेस की बात करें तो आपको मिल जाता है 112 स्क्वायर मीटर का, 180 स्क्वायर मीटर का और 300 स्क्वायर मीटर का। थोड़ा अलग सा साइज़ है बेसिकली, और सोसाइटीज़ में आपको 125, 200 और 300 मीटर के साइजेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 112 स्क्वायर मीटर, 180 स्क्वायर मीटर और 300 स्क्वायर मीटर का साइज। ये लोकेशन बिल्कुल आपके अच्छी लोकेशन में सिचुएटेड है। काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेसेस है, यहाँ पे क्राउडेड नहीं लगेगा आपको, ना ही कंजेस्टेड सी फीलिंग आएगी। वाइड रोड्स की कनेक्टिविटी है इनकी, एक्सप्रेस वे काफ़ी नज़दीक है, तो आप कहीं भी बाहर का भी अगर एक तरह से टूर करना चाहते हैं, कहीं बाहर आना जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो बड़ा इजी हो जाता है इस लोकेशन से कनेक्ट करने के बाद। इसके साथ अगर मैं यहाँ की फैसिलिटी की बात कराऊँ तो आपको CRH हॉस्पिटल इसके एडजॉइनिंग में देखने को मिल जाएगा। रेडी आपको इसके साथ साथ ग्रैंड वेनिश मॉल है वो बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ रेडिशन होटल है वो भी इसके एडजॉइनिंग में आता है, नियर में आता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके आसपास में और भी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं साइजेस में जाके। प्रोसेस ऑफ परचेज की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला है। NOC सबसे पहले सोसाइटी से आपको मिलती है, देन उसके बाद आपका ट्रांसफर अथॉरिटी से होता है, और उसके बाद आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं अपने नाम पे। बैंक लोन यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप किसी भी साइज में जाकर बैंक फैसिलिटी को यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी साइज में आप परचेजिंग करना चाहते हैं उस पर आपका बैंक लोन हो जाएगा, अच्छे अमाउंट में लोन मिल जाता है। तो आप बैंक लोन और सेल्फ फंडिंग को मर्ज करके यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। साइजेस हमने आपको बता दिया है। रेट की बात करें तो अगर आप इनकी इसमें किसी भी साइजेस में इंटरेस्टेड हैं तीनों में ही, तो आप जो है लगभग मान के चलिए कि आज के टाइम पे लाख रुपए प्लस का रेट है। डिपेंड ऑन लोकेशन साइज के रेट होते हैं। मीन्स आप प्लस की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई टेंटेटिवली आइडिया हम आपको दे नहीं पाए, क्योंकि ये सारी जो सोसाइटीज़ में आपको अभी कुछ पिछले टाइम से आप मेरी सोसाइटीज़ की कई वीडियो देख रहे होंगे, मैं रेट का इसलिए आइडिया नहीं दे पाती क्योंकि देखिए रेट इतने डिफरेंट हो चुके हैं, मार्केट इस हिसाब की हो चुकी है कि जो चीज़ आती है जिस लोकेशन के आते हैं उसके अपने रेट होते हैं, और काफ़ी डिफरेंस आ जाता है लोकेशन में, जनरल प्लॉट में और सारी साइजेस में, कि रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं आइडिया आपको देने के लिए ये तो ज़रूर बता सकती हूँ कि लाख रुपये प्लस का रेट मान के चलिए। प्लस में डिपेंड ऑन लोकेशन जैसी चीज़ें रहेंगी, जैसा लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग रेट रहेगा। एग्जैक्टली रेट जानने के लिए, इन्वेंट्री के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इस लोकेशन के सिवा भी आप किसी भी लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। हर कोई लोकेशन अपने किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फैसिलिटी कनेक्टिविटी की वजह से अपने आप में यूनिक है। तो आप जिस भी जगह पे जाना चाहें, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर जा सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। हम आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे समझ के आपके लिए डिजायर्ड यूनिट लेकर हाजिर हो जाते हैं जब आप हमसे
कॉन्टैक्ट करते हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी और कॉन्टैक्ट के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर कमेंट ज़रूर करें जो आप नई अपडेट चाहते हैं उसके लिए, या कोई नए लोकेशन पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।